आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं जिसका नाम है अकलमंद परिंदा। ये कहानी है एक सुस्त कौवे और मेहनती चिड़िया की। कुछ दिन बाद तेज तूफान आया, खूब गरज चमक के साथ बारिश हुई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसका घर महफूज रहा। दूसरी तरफ कौवे का घोंसला सारा बिखर गया। कौवा भागा भागा चिड़िया के घर पहुंचा। कौन है दरवाजे पे? अरे मैं हूँ कौवा, जल्दी दरवाजा खोल दो चिड़िया बहन, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कौवे भैया, आप इतनी बारिश में आप आए हैं, हैरियत तो है ना? अरे बहन, हैरियत ही तो नहीं है, बारिश और तूफान की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया और मेरा ये हाल हो गया। अरे कौवे भैया, आप परेशान मत हो, आप अपने घर की मरम्मत होने तक मेरे घर में ठहर सकते हैं। जब बारिश रुकेगी तो हम लोग मिलकर आपके घर की मरम्मत करेंगे। चिड़िया ने कौवे को गरम गरम सूप दिया, फिर पेट भर के खाना दिया और फिर आरामदायक बिस्तर भी दिया। कौवा तो पहले ही कामचोर और सुस्त था, इतनी हिम्मत और आराम देखकर कौवे का जी ललचा गया और वो चिड़िया के घर ही रुकने की तरकीबें सोचने लगा। अरे भाई, यहाँ तो बड़े मजे हैं, इतना आराम और इतना शानदार घर मैंने तो पूरी जिंदगी नहीं देखा, क्यों ना हमेशा के लिए चिड़िया के घर पे ही रहा जाए।